Hello, good morning, students. Hope all are well. Myself, Sherry Kataria. Today we will discuss about our next topic, that is about basic conditions of the good health. That is basic condition for the good health. मतलब एक अच्छी हेल्थ होने के लिए कौन सी कंडीशंस जो है होनी चाहिए. ओके, इन द लास्ट क्लास, इन द लास्ट लेक्चर वी हैड डिस्कस्ड डिजीज फ्री एंड हेल्दी, डिफरेंस बिटवीन डिजीज फ्री एंड हेल्दी. ओके, सो एक गुड हेल्थ होने के लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए. फर्स्ट वन दैट इज बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट, बैलेंस्ड डाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि हम कार्बोहाइड्रेट्स ही खाते रहें, ठीक है. हम सिर्फ आप जो सिर्फ दाल ही खाते रहें. देयर शुड बी बैलेंस्ड डाइट. इट मीन्स इट शुड इंक्लूड, सारी चीजें इंक्लूड होनी चाहिए. लाइक इट शुड इंक्लूड योर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स होनी चाहिए. ओके, देयर शुड बी प्रोटीन्स. कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलेंगे, लाइक आलू से मिल जाएंगे, चपाती से मिल जाएंगे. ओके, एंड ग्लूकोज इज ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट. प्रोटीन्स भी होने चाहिए आपके डाइट के अंदर, आपके खाने के अंदर. ऐसा नहीं है प्रोटीन्स ना हो, जैसे दाल होनी चाहिए, पनीर होना चाहिए, मशरूम्स होने चाहिए, ठीक है, बीन्स होने चाहिए. इन सब के अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत अच्छा होता है. ओके, नेक्स्ट वन वाइटामिन्स. वाइटामिन्स होनी चाहिए. वाइटामिन्स आर नेसेसरी फॉर योर बॉडी के अंदर जो है, कोई डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए. सारे सारे वाइटामिन्स होने चाहिए. कुछ वाइटामिन्स आपके विजन के लिए जरूरी है, हाँ, और बहुत सारे आपकी बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और वाइटामिन्स की बहुत जरूरत है, ठीक है. तो बैलेंस डाइट होना चाहिए. इवन आपकी डाइट के अंदर कुछ अमाउंट जो है फैट्स और लिपिड्स का भी होना चाहिए. घी भी खाना बहुत जरूरी है, ठीक है. और नेक्स्ट आपकी रफेज, रफेज दैट इज थ्रू योर सैलेड, रफेज भी होना चाहिए, ठीक है. रफेज शुड बी देयर. फाइबर्स, रफेज इन द सेंस आपकी बॉडी के अंदर फाइबर्स होने चाहिए. फाइबरस फ्रूट खाना चाहिए, फाइबरस फ्रूट्स और फाइबरस लाइक ओट्स, ठीक है, दलिया, ये सब चीजें खानी चाहिए. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाने चाहिए, ठीक है. तो ये सब जरूरतें हैं एक बैलेंस डाइट. ऐसा नहीं कि सिर्फ हम एक ही तरीके का खाना खाते रहें. देयर शुड बी बैलेंस्ड डाइट. ओके, सो नेक्स्ट वन इज पर्सनल हाइजीन. अपने आप को प्रॉपर क्लीन करना चाहिए. नहाना, जो बाथिंग है, देखो यहाँ पर जो है ये बाथिंग है प्रॉपर. तो प्रॉपर ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी डालो और निकल कर आ गए. ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी शुड बी क्लीन. हाइजेनिक कंडीशन होनी चाहिए. नेल्स प्रॉपर कट होना चाहिए, हेयर प्रॉपर कट होने चाहिए. बॉडी शुड बी क्लीन विद अ प्रॉपर सोप्स एंड शैम्पूज, सो दैट देर शुड बी नो जर्म्स. ओके, जर्म फ्री हो, कोई डिजीज या अन आपको हेल्थ को अफेक्ट करने वाला कोई जर्म ना हो, ठीक है. सराउंडिंग, अपनी पर्सनल हेल्थ तो बहुत जरूरी है ही, साथ के साथ सराउंडिंग्स भी क्लीन होनी चाहिए, ठीक है. आसपास क्लीनिनेस होनी चाहिए, ठीक है. देखो, दिस चाइल्ड इज टेकिंग बाथ, जो उसकी मदर है उसको जो है नहला रही है, ठीक है. हेयर शी इज वॉशिंग यूटेंसिल्स, बर्तन साफ कर रही है. यहाँ पर देखो जो है झाड़ू लगा रही है, क्लीन कर रही है फ्लोर को, ठीक है. यहाँ पर देखो ये जो कोई भी डंप है, कोई भी, उसको क्लीन किया जा रहा है. हेयर देखो, सी फूड इज कवर्ड विद अ प्रॉपर कंटेनर, ताकि जो फ्लाई है, जो मक्खी है, वो जो है उसको इन्फेक्ट ना करे, कंटामिनेट ना करे, ठीक है. और टॉयलेट्स प्रॉपर यूज करने चाहिए. देखो यहाँ पर सोप रखा हुआ है. हेयर देर इज वाटर, प्रॉपर जो है टॉयलेट्स यूज करने चाहिए. और हैंड वॉश प्रॉपर करना चाहिए. देर शुड बी प्रॉपर हैंड वॉशिंग. और खाना बिल्कुल साफ सुथरे हाथों से खाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से. और देखो, शी इज फीडिंग हर चाइल्ड,
एंड वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग, आई थिंक जो है खाना बना रही है, और खाना बनाने से पहले जो वेजिटेबल्स हैं उनको वॉश कर रही है अच्छे से, ठीक है। सो क्लीन फूड, खाना बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, खाने के अंदर कोई भी जर्म्स नहीं होने चाहिए। प्रॉपर क्लीन का मतलब यहाँ पर है, सब्जी बनाने से पहले खाना, वेजिटेबल्स को, प्रॉपर फ्रूट्स को कंज्यूम करने से पहले उनको प्रॉपर वॉश आउट करो, वार्म वाटर से वॉश आउट करो। देन वाटर जो है वो पूरा जो प्योरीफाइड वाटर है या RO वाटर है वो आपको लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा पानी है और कहीं से भी पानी पी लिया गया, ठीक है। सो कुछ जो है बाहर से जो है कुछ लाइक गोलगप्पे खा रहे हैं उसका पानी गंदा है तो फूड पॉइजनिंग के चांसेस हैं, आपकी हेल्थ अफेक्ट होने के चांसेस हैं, तो उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। एयर शुड बी क्लीन। देखो एयर को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए हमें, ऐसी कोई चीज़ें बर्नआउट नहीं करनी चाहिए एयर में जो कि पॉल्यूशन कॉज करनी हो, क्योंकि उसी एयर को हम इनहेल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज देयर शुड बी प्रॉपर एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन इन योर रूटीन। आपको एक्सरसाइज करना बहुत ही जरूरी है, आपकी बॉडी को फिट अगर रखना है, ठीक है, देन देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सरसाइज, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न आउट हो जाएंगी, एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो जाती है, इट विल लीड टू द लेजीनेस, आपको काम करने का मन नहीं करेगा, सोने का मन करेगा, पढ़ने का भी मन नहीं करेगा। ओके, सो नो एडिक्शन। नो एडिक्शन का मतलब है कोई गलत तरीके, मतलब एक एक्सेस किसी का लत नहीं पड़नी चाहिए। दैट इज जैसे एडिक्शन मतलब लाइक टीवी ही देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं सारा दिन, टीवी देख रहे हैं, ऑल टाइम यू आर वॉचिंग टीवी, ठीक है, ऑल टाइम यू आर यूजिंग फोन्स। व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब जरूरत है तभी उसका यूज करें, अननेसेसरी यूज ना करें, ठीक है। नेक्स्ट वन, जैसे एडिक्शन और भी चीज का भी हो सकता है, ठीक है, तो कुछ गलत चीज खाना, उसको जो है एक्सेस खाते ही रहना, ठीक है, तो दैट इज मतलब एक जरूरत से ज्यादा अगर किसी काम को आप करते हो या आप कंज्यूम करते हो, दैट इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। ओके, सो देयर शुड बी प्रॉपर टाइमिंग्स, और एक प्रॉपर किसी चीज को करने का टाइम और किसी चीज को खाने की लिमिट होनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, गुड इकोनॉमिक कंडीशन। गुड इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब है पैसा अच्छा होगा, दैट इज एक पुअर कंडीशंस ना आए, लाइक हम इतना हमारे पास पैसा हो सिर्फ जितनी हमारी जरूरतें पूरी हो सके। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ एंड हेल्दी।